तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम असलियत बताने वाले हैं आपको स्वराज 735 एफ डबल ई वाले। तो भाई ये जो डबल ई बना दिए गए इस ट्रैक्टर को, सेम मॉडल है, सब कुछ सेम मिल जाता है। इसमें 13 के टायर जो है पीछे के मिल जाते हैं और 6-16 के आगे के टायर मिलते हैं, ठीक है। सिंगल क्लिच के साथ ट्रैक्टर आता है, पावरफुल ट्रैक्टर है। लेकिन भाई जो पहले ट्रैक्टर आता था स्वराज 735 एफ ई, वो आता था 39 HP की कैटेगरी में, ठीक है। और इसको बना दिया गया अभी 35 HP की कैटेगरी का ट्रैक्टर ये, ठीक है। और दोस्तों इसमें ऑल वाट टाइप का एयर क्लीनर सेम टू सेम मिल जाता है आपको, साइलेंसर भी बढ़िया है इस ट्रैक्टर का, और लुक सेम टू सेम रहता है दोस्तों। वाटर सेपरेटर आपको इसमें अलग से मिल जाता है, साथ ही पावर स्टेयरिंग का ऑप्शन भी मिलता है इसमें, जो कि सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग रहने वाली है। बढ़िया बैलेंस टाइप की सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग मिल जाती है। और यहाँ देखें आप फ्रंट एक्सल को, तो काफ़ी मजबूत इसमें फ्रंट एक्सल दिया गया है। ये देखें आप, काफ़ी मजबूत हैवी वाला फ्रंट एक्सल मिल जाता है, जो कि नॉन एडजस्टेबल रहता है। बाकी आप देखेंगे स्वराज 744 में आपको एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल देखने को मिल जाता है, और 35 में भी पहले एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल दिया जाता था। लेकिन भाई इस ट्रैक्टर में आपको एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल नहीं दिया जाता, क्योंकि ट्रैक्टर जो है 35 HP की कैटेगरी का, ठीक है। और यहाँ पर आपको बॉस कंपनी का इनलाइन पंप देखने को मिलता है, और यहाँ देखें तो ये पैडल अलग से मिल जाते हैं आपको रेस्ट करने के लिए। ट्रैक्टर चला रहा है और लंबा ले जा रहा है, तो यहाँ पर पैर रख के आप ट्रैक्टर पर रेस्ट कर सकते हो, ये बढ़िया है। सेंटर शिफ्टिंग गियर बॉक्स के साथ ये ट्रैक्टर आपको मिलता है। अब इस ट्रैक्टर की डीजल खपत बताने वाले हैं भाई, 13 के टायर पीछे के हैं, और इसकी डीजल खपत की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों ट्रैक्टर ट्रॉली पर बहुत बढ़िया माइलेज देने वाला। जो लोग ट्रॉली का काम इस ट्रैक्टर से करना चाहते हैं ना भाई, उनके लिए बेस्ट ट्रैक्टर होने वाला, क्योंकि ट्रॉली पर ये ट्रैक्टर जो है आपका समथिंग 8 से 10 किलोमीटर का एवरेज देने वाला है। यानी 8-10 किलोमीटर आराम से ये 1 लीटर में चल जाता है। ये बहुत बढ़िया माइलेज आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाता है। साथ ही आप देखें तो ऑयल ब्रेक भी इसमें दिए गए हैं, और साइड माउंट बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर देखो तो सेपरेट आपको जो है पंप मिल जाता है, हाइड्रोलिक पंप और जो है लिफ्ट का पंप यो, और पावर स्टेयरिंग का पंप आपको सेपरेट मिल जाता है, अलग अलग मिल जाता है, जिससे मेंटेनेंस फ्री रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी थोड़ा सा बदलाव किया गया है इस ट्रैक्टर में, क्या है ना कि ये जो है 35 HP में बना दिया गया है, और पहले जो आता था उसको 39 HP में दिया गया था। बाकी PTO पावर सेम है इस ट्रैक्टर की, और चार्ट दिखा देता हूँ आपको इस ट्रैक्टर में मैं आपको। तो आप जैसे अगर इस ट्रैक्टर को रोटावेटर पर अगर चलाते हो, तो भाई 1600 से 1400 इंजन रेटेड RPM पर आप इसको चला सकते हो, वो भी कितने 30 ब्लेड के अगर रोटावेटर पर आप इसको चला रहे हो। तो MB प्लाउ पर अगर आप चलाते हो इस ट्रैक्टर को, तो 1350 RPM पर चला सकते हो, 1400 मान लो। और हैरो और कल्टीवेटर पर अगर आप चलाओगे, तो नौ टांग का जो कल्टीवेटर होता है उस पर ये ट्रैक्टर जो है दोस्तों 1600 इंजन रेटेड RPM पर चल जाएगा। और डीजल खपत इसकी दोस्तों 3 से 3.5 लीटर रहने वाली, भाई बहुत कम डीजल खपत है इस ट्रैक्टर की। बाकी जो पहले जो ट्रैक्टर आता था 39 HP का, उससे थोड़ी डीजल खपत कम ही रहने वाली इस ट्रैक्टर की देखा जाए तो। और ये जो है ये लिफ्ट लॉक आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, सभी ट्रैक्टर में मिलता है। और ये DCPC लीवर हुआ है, जिनको आप जानते ही हैं भाई, जो ट्रैक्टर ओनर हैं वो भी जानते हैं। ये टूल बॉक्स इसमें यहाँ अलग से दिया गया, ये टूल बॉक्स कैसा है, इसमें क्या मिलता है आपको? अच्छा ये भाई ये देखो, ये ऑप्शन अलग मिल जाता है इस ट्रैक्टर में। ये देखो यहाँ चार्जिंग सॉकेट यहाँ दिया गया है, यानी भाई स्वराज में भी दिया गया है, पहले कुछ ट्रैक्टरों में आता था, नहीं आता था, लेकिन इसमें दोस्तों आप चार्ज पे लगाकर मोबाइल को, और मोबाइल को इसी बॉक्स में रख सकते हो। यानी ये भी बहुत बढ़िया भाई, सेफ्टी फीचर भी इस ट्रैक्टर में बढ़िया दिया गया है। और लिफ्टिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें, तो भाई 1800 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ ये ट्रैक्टर दिया जाता है। और ये जो आप देखें तो एक डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब कंपनी फिटेड आपको देखने को मिलता है पीछे की साइड, अगर आप देखें तो ये है आप किसी इम्प्लीमेंट को चलाने के लिए, और 3 सेंसिंग पॉइंट ये दिए जाते हैं। हिच भी काफ़ी शानदार है, और ये जो है डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब आपको यहाँ अलग से देखने को मिल जाता है। यानी देखा जाए तो भाई बहुत बढ़िया है ट्रैक्टर, और मेरे हिसाब से ट्रॉली के काम के लिए ये जो ट्रैक्टर है आप देख रहे हैं बहुत शानदार है। कंपनी फिटर आपको फ्रंट बम्पर मिल जाता है, जो कि काफ़ी मजबूत दिया जाता है, और कई सारे फीचर्स जो हैं इस ट्रैक्टर में बढ़िया बदलाव किए गए हैं। यानी पावर स्टेयरिंग हो गई, और जो है डीजल खपत जो पहले जो 39 HP था उससे थोड़ी कम कर दी गई। यानी जो लोग किसान ट्रॉली का काम करना चाहते हैं, छोटा मोटा अपना खेती का काम करना चाहते हैं, उनके लिए ठीक है। और भाई स्वराज तो यार ब्रांड है, यार ब्रांड बोला जाता है स्वराज को, स्वराज से तुम कोई भी काम करवा लो आसानी से कर देता है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की।